बेतिया में नगर निगम चुनाव को लेकर गरिमा सिकारिया ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। बेतिया नगर निगम चुनाव को लेकर आज गरिमा सिकारिया के नामांकन में उमड़ा जन सैलाब, साथ ही रोड शो करते हुए नामांकन करने जिला समाहरणालय कार्यालय बेतिया पहुंची। साथ में पति रोहित सिकारिया भी उपस्थित थे। नगर निगम पद को लेकर काफी गहमा गहमी बनी हुई है। रोहित सिकारिया ने बताया कि अपने बेतिया शहर को रोड जाम से निजात दिलाना, जल जमाव से निजात दिलाना, यात्री सेट का निर्माण करना, चौक चौराहे पर साथ ही कई अहम बिंदु पर ध्यान आकर्षित करना, ये मेरा लक्ष्य है। मेयर पद पर रहते हुए शौचालय आदि की व्यवस्था करना पद के कई दावेदारों में है एक गरिमा सिकारिया। अब की बार नए अंदाज में चुनाव में नामांकन करने के लिए आ रही है गरिमा सिकारिया। नामांकन करने से पहले बेतिया स्थित काली बाग मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद हजारों हजार के साथ बैंड बाजे के साथ आ रही है गरिमा सिकारिया के काफिला। भोजपुरिया कलाकार भी उनके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही अनुपमा यादव भोजपुरी के सुपरस्टार गायिका, जिनका अब तक भोजपुरी में कोई अश्लील गाना नहीं आया है। साथ ही गरिमा सिकारिया ने बताया कि अगर जनता का समर्थन, विकास, इंदिरा आवास, जल जमाव से निजात दिलाना प्रथम लक्ष्य के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रीन बेतिया बनाने का लक्ष्य है। साथ ही जनता से किए गए चुनावी मुद्दे पर खरा उतरना है। ग्रामीणों ने बताया कि मेयर पद से चुनावी मैदान में आने के बाद चुनाव का रुख काफी गर्म हो चुका है, साथ ही विकास कार्यों को लेकर चुनावी मैदान में है। वहीं बेतिया से विकास कार्यों को लेकर शिक्षित व योग्य उम्मीदवार होना बहुत आवश्यक है। नगर के विकास के साथ व्यापारियों व महिलाओं के लिए बहुत काम करना है। जनता हमें एक बार मौका दे, हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। मेरे विकास में शिक्षा, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य आदि कार्यों में पहली प्राथमिकता होगी। आज मेरा नामांकन हुआ है, मेयर पर प्रत्याशी के रूप में आज मैंने नामांकन किया है। जनता के अपार श्रद्धा है, जनता जनार्दन ने मुझे आज विश्वास दिखाया।